एडिटिंग और ऑसम इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने का एक सीक्रेट है। चलो एक हिंट देता हूँ, किस टाइप से खेल रहे हो? आंसर इस लाइन में है। कैमरा लेके हरकतें करने में कितना भी माहिर हो जाओ, ऑडियंस की बॉडी से वाह निकलने का मौका मिस हो जाता है अगर एडिटिंग बोतलें भरने जैसा हो जाए। बोरिंग, जिसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हजारों तरीकों में से एक स्ट्रॉन्ग वाला तरीका वो चीज में छुपा है जो तुम देते हो। इंफॉर्मेशन, यही देते हो ना वीडियोस के थ्रू, एडिटिंग के थ्रू। बट ऑडियंस सबसे ज्यादा कनेक्टेड एंड अटेंटिव तभी होता है जब उनको लगता है वीडियो में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? ठीक ऐसे ही इंफॉर्मेशन को ऐड करके थ्रू टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी, किस टाइप से खेल रहे हो? टाइपोग्राफी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जहाँ पे तुम कमाल के विजुअल खेल दिखा सकते हो बहुत सारे फॉन्ट्स एंड टाइपफेसेस के साथ एक्सपेरिमेंट्स करके, और ग्राफिक डिजाइन की की एलिमेंट की जैसा वीडियो में भी, खासकर इस प्रेजेंटेशन टाइप यूट्यूब स्टफ के लिए टाइपोग्राफी इज ए गेम चेंजर। इट इज, मैं 50 साल से ग्राफिक डिजाइन कर रहा हूँ, यू कैन बिलीव मी। कि तुम्हें ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनना है फॉर दिस, क्योंकि मेरा फेवरेट एंड इजीएस्ट टाइपोग्राफी एनिमेशंस का खेल कुछ देर में दिखाऊंगा जिसका एफर्ट सिर्फ 30% है, बाकी का 89% है। इंस्पिरेशन ले लो, सिर्फ किस टाइप के टाइप फेसेस या फॉन्ट्स को यूज करके उसे एनिमेट करना है उसका ही इंस्पिरेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन को किस स्टाइल में, मजेदार टाइटल्स में और कॉन्टेंट्स को ग्रुप्स में बदलना है उसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगा पता है? ब्रेस योरसेल्फ, बुक्स, डिजाइन्स, फॉन्ट्स, वेरिएशंस, कॉम्बिनेशंस, ये सब तो तुम्हें अच्छे ग्राफिक डिजाइन साइट्स में मिल ही जाएंगे, बट लिखना क्या है और कब है जो यूनिक भी हो और मजेदार भी हो उसका आइडियाज तुम्हें ये ऑथर्स देते रहेंगे कि कंटेंट्स को कैसे मस्त सेक्शन में डाल के उसको यूनिक टाइटलिंग करना है। और बुक्स वाले पॉइंट को सुनते ही फेंको मत, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजों को फेंकोगे वो रिटर्न आ ही जाएगा किसी ना किसी को। और दर्द अगर आंखों में है तो कानों से इंस्पायर्ड हो जाओ, कुकू FM यूज करके, टुडेज वीडियो पार्टनर। हेडफोन्स, बहुत ही छोटा चीज है बट इससे तुम 4000 से भी ज्यादा नॉन फिक्शन बुक्स एंड ऑडियो शोज का मजा ले सकते हो अपने कोई भी रीजनल लैंग्वेज में, एनी टाइम एनीवेयर। कैसे? कुकू FM को डाउनलोड करके, जो इंडियाज लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म है विद ओवर 4.5 प्लस रेटिंग एंड टॉप रेटेड बुक्स लाइक यू कांट हर्ट मी, जिसमें डेविड गॉगिंस ने बचपन से लेके फेलियर तक ऐसे लाइफ को चैलेंज करके जीतने का एक्सपीरियंस शेयर किया है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन बंद हो जाएगा तुम्हारा। सुन के देखो एक बार कुकू FM पे यू कांट हर्ट मी, हिंदी में पूरा बट तुम्हें आधा ही देना है, जस्ट 199 rupees फॉर अ ईयर अगर मेरा कूपन कोड ANY50 यूज करोगे और पहले 250 लोगों में से होगे, जिससे तुम्हें ह्यूज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स का नॉलेज मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेड इन इंडिया ऐप है, गो डाउनलोड कुकू FM एंड गेन नॉलेज, जिस नॉलेज को अभी काम पे लगाना है सम ऑफ माय फेवरेट बट इजी वेज में, जिसमें प्रीमियर प्रो बस एक टूल है, तुम अपना कोई भी टूल यूज कर सकते हो, क्योंकि पहला चीज ऐसा है एकदम नॉर्मल, बस टेक्स्ट लेके कोई भी बीट पे रख दो। अब टेक्स्ट है तो टाइप तो करना है ही ना, सिंपल मेरा टेक्निक है, डायरेक्ट इफेक्ट से क्रॉप को उठा के डाल दो टेक्स्ट लेयर पे। फिर एक्चुअली करना क्या है, टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट तक रिवील ही करना है ना नॉर्मल टाइपिंग की तरह, तो इफेक्ट्स कंट्रोल में से क्रॉप्स के राइट पे इस आइकन पे क्लिक करो तो एक एंकर पॉइंट आ जाएगा, फिर इसको ढक दो पूरा, बस एक और एंकर पॉइंट, और जितना टेक्स्ट का लेंथ है उतने तक रिवील कर दो बस। अब इन दोनों गोटे एंकर पॉइंट्स को हिला के तुम स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, जिससे अब होगा टाइपोग्राफी का खेल। इस नॉर्मल के साथ टाइपिंग को मिला दो या उसका उल्टा, बट खेल मजेदार होता है फॉन्ट्स में, क्योंकि इमोशंस के साथ अगर वो करोगे फॉन्ट्स को मैच तो सही लगेगा, खासकर एक सेरिफ फॉन्ट के साथ एक सैंस फॉन्ट का जोड़ी बहुत सही लगता है, बोल्ड सैंस फॉन्ट के साथ एक लाइट वेट सेरिफ फॉन्ट, सेम चीज का उल्टा भी, स्क्रिप्ट या हैंड रिटन स्टाइल्स के जो ओहो फॉन्ट्स होते हैं वो क्वालिटी के साथ एक पर्सनल टच स्टाइल देता है, बट छोटा टेक्स्ट जो एक या दो वर्ड्स का है उसी पे स्क्रिप्ट या हैंड रिटन फॉन्ट्स को तंग करना वरना आंखों के लिए दिक्कत हो सकता है। जनरल कॉन्सेप्ट यह है कि मेन टेक्स्ट जो मेन टाइटल है उसको स्टाइलिस्टिक रखो, सब टेक्स्ट को रीडेबल करो, ऐसा होगा तभी आएगा स्पेस का कॉन्ट्रास्ट, नहीं क्रिस्टोफर नोलन वाली बात नहीं है, फ्रेम पे जगह के साथ कॉन्ट्रास्ट, बड़े के साथ छोटे, बोल्ड के साथ थिन, विद कलर कॉम्बिनेशंस ऑब्वियसली, और कलर्स के साथ कॉन्स्टेंट रखना पॉइंट्स को, अगर तीन मेन पॉइंट्स है वीडियो में तो उसका स्टाइलिंग सेम रखो, सब पॉइंट्स को चेंज करो जिससे ऑडियंस को वीडियो फ्लो में कंट्रोल दिखेगा, और फ्लो के साथ मिलता है ग्लो। देखो स्क्रिप्ट का लास्ट पार्ट है, दिमाग में पावर कम है बट ये हो जाएगा।
कैसे? कोई भी टेक्स्ट लेयर को कॉपी करके ऊपर रख के उस ऊपर वाले लेयर को जस्ट गॉशियन ब्लर देके, फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके ब्लेंड मोड को स्क्रीन में बदल के अब ऊपर वाले लेयर्स की ओपेसिटी के साथ पिन टूल से खेल सकते हो कहीं भी। बट ये सारे एनिमेशन सेम भी हो ना तो इस इफेक्ट से पूरा फील बदल जाता है। ये देखो सेम एनिमेशन, और देखो लास्ट वाला देखने का नहीं करने का था। बट ऑलवेज रिमेंबर टाइटल्स पे ना सस्पेंस रखो ताकि ऑडियंस जानना चाहे पूरा स्टोरी। फॉर एन एग्जाम्पल अगर व्यूज को डबल कर, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट एंड इजी टाइप ऑफ